धोरण पांच विषय हिंदी लेक्चर नंबर एक पाठ पंदर। पाठ पंदर नु नाम छे खरगोश और हाथी। आ एक चित्र कहानी छे। हवे एना आपणे स्वाध्याय जोईए। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। पहलो, सरोवर के किनारे कौन रहते थे? तो खरगोश। बीजो विकल्प, खरगोशों के बिल खालजके के अंदर थे? तो जमीन। त्रीजो विकल्प, हाथी अपनी सूंड से क्या तोड़ देते? तो छोटे छोटे पेड़। चौथो विकल्प, हाथी सूंड में पानी भर के क्या करते? तो नहाते। पांचवो विकल्प, चंदा मामा के भांजे कौन थे? तो खरगोश। छठो विकल्प, पूर्णमासी को क्या निकला? तो चांद। हवे छे प्रश्न नंबर बे, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौंसमां तमारा शब्दों आपेला छे, ए शब्दों तमारे खाली जगह में कम्प्लीट करवाना छे। पहलो, जिससे खाली जगह के बहुत से भांजे दब गए? तो चांदा मामा। बीजो, चांद में आप हमारे खाली जगह को देख सकते हैं भाई बंधु। त्रीजो, हाथियों के बच्चे खाली जगह में एक दूसरे से लड़ते खेल खेल। चौथी खाली जगह, पूर्णमासी का खाली जगह निकला? तो चांद। सरोवर में खाली जगह लहरें उठ रही थी? तो हल्की हल्की। प्रश्न नंबर त्रण, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। प्रश्न नंबर बे, पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी का चांद चमकता हुआ गोल लहरों के साथ ऊपर नीचे होता दिख रहा है। हवे छे प्रश्न नंबर त्रण, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। चौथो प्रश्न, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो चंदा मामा से माफी हाथियों का सरदार मांग रहा है। पांचवा प्रश्न, सरोवर के किनारे क्या था? तो सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। छठो प्रश्न, खरगोश क्या खाते थे? तो खरगोश नरम नरम घास खाते थे। सातवां प्रश्न, हाथियों के झुंड में कुछ हाथी कैसे थे? तो हाथियों के झुंड में कुछ हाथी शरारती थे। आठवां प्रश्न, खरगोश किसके भांजे है? खरगोश चंदा मामा के भांजे है। नवमू, सरोवर के किनारे हाथी मिट्टी में लोट लटाते तो क्या होता? सरोवर के किनारे हाथी मिट्टी में लोट लटाते लगाते तो उनके भार से नरम जमीन दब जाती। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। प्रश्न पाँच, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुस्से से कांपना तो क्रोधित होना। वाक्य लिखो, खरगोश हाथी को देखकर गुस्से से कांपने लगा। बीजू, लोट लगाना लेट कर बार बार करवटें बदलना। गधे को लोट लगाना अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर छः, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गुस्सा क्रोध कोप। निशा रात रात्रि। सरोवर तो झील। क्षमा माफी। जमीन भूमि। पांव पैर। प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी अथवा विलोम शब्द लिखिए। शांत अशांत। हल्का भारी। पास दूर। गीला सूखा। नरम कठोर। आगे पीछे। प्रश्न नंबर आठ छे, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिस रात चांद पूर्ण गोल होता है तो पूनम। एक घर में रहने वाले लोग तो परिवार। बहन का लड़का भांजा। जमीन के अंदर छेद करके बनाया हुआ घर तो बिल। प्रश्न नंबर नौ, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ए पहलू वाक्य, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर ना काठे भीनी जमीन हती। बीजू, हम चांद के भांजे है अमे चंद्रना भाणिया छीए। त्रीजू,
हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, हाथियों ना झुंड में थोड़ा तूफानी हाथी हता। चौथों, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, ससला ना सरदारे एक युक्ति विचारी। अहीं आ पाठ पूरो थाय छे, तमारे स्वाध्याय पोथी में ए सारा अक्षरे पूरो करवानो।